जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी फिलहाल के लिए ठीक ठाक हूँ। मतलब वैसे सर में दर्द सही नहीं हो रहा है, पर ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो मैंने सोचा आज डाल ही देते हैं। बाहर तो कुछ ऐसा सच कुछ हो नहीं रहा है स्पेशल, बाहर बारिश हो रही है और नोनू चिल्ला रही है, तो मैंने सोचा कुछ बना ही लेते हैं। तो आप देखते हैं क्या बनाते हैं। सोच रहे हैं पाव भाजी बनाने की, तो पाव भाजी रेसिपी आपको दिखाते हैं कैसे बनाती हूँ। और या तो मैं बनाऊँगी या तो मम्मी बनाएगी। चलते हैं मम्मी की किचन में, मम्मी द ढाबा। चलो चलिए। तो गाइस हम आ चुके हैं किचन में और पाव के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए पाव है यहाँ से, और ये बटर है, और फिर यहाँ पे सब्जी काट दी गई है। ये है गाजर, ये कुछ आलू है, ये कुछ कैप्सिकम है, ये है आपका गोभी। अब इनको उबालने के लिए डालते हैं कुकर में। इसमें पहले से आलू डाले हुए मम्मी ने। ऐसे ही होता है गाइस। इसको उबालने के लिए रख रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया एक बटर का टुकड़ा भी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। अब पानी डाल देते हैं और उबालते हैं इसको। तो यहाँ पे ये बॉईल हो रहा है बस, और तब तक इसमें काट लिया है हरा धनिया, प्याज चॉप कर लिए हैं, टमाटो चॉप कर लिए हैं। अब रेडी करते हैं इसका मसाला। इसमें ये गार्लिक भी हमने काट लिया है, ये पेस्ट भी डालेंगे। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है यहाँ पे, तो बनाते हैं। तो पहले डालते हैं इसमें ऑयल। ऑयल के ऊपर से डालेंगे बटर, नहीं बटर डाल रहे ना। मैं डाल दी हींग और जीरा। अब डाल देंगे इसमें गार्लिक क्लोव्स, प्याज। अब डाल देते हैं इसमें अनियन प्याज, प्याज के ऊपर डालेंगे हम गार्लिक पेस्ट। अब डाल देंगे गार्लिक पेस्ट, अब डालते हैं इसमें टमाटो और मसाले। इसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, डालेंगे नमक इसमें। फिर डाल दिया इसमें पाव भाजी मसाला, इसको मैशर से मैश कर देंगे सब्जियों को जो बॉईल हुई है अच्छे से। वो सब्जियां इसमें मिला दी हैं। यहाँ पे इसकी भाजी बन रही है, इसमें हमने मिर्च नहीं डाली है, तो इसलिए इस वजह से आपको फोन में कलर नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए ये बन रही है यहाँ पे भाजी, और इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है बटर पाव भाजी सेकने के लिए। इसको स्प्रेड कर देते हैं बटर को, करते हैं इसमें पाव भाजी। तो अब इनको सेक रहे हैं, ये हैं पाव छोटे छोटे। तो इसमें ये भाजी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें डाल दिया धनिया, पाव सिक रहे हैं, बनी है वैसा। तो ये देखिए यहाँ पे पाव भाजी बनके तैयार हो गई है। ये पाव
थोड़े से यहाँ पर अनियन रख दिए हैं, एक लेमन रख दिया है और भाजी बनके तैयार हो गई है। तो आओ आप भी खा लो, और नहीं आ सकते हो तो अपने घर में बनाओ और खाओ, इंजॉय करो। बारिश के मौसम में बाहर नहीं जा सकते, घर पे ही बनाओ। मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, टिल देन। आके बता रही हूँ कैसी हो रही है। बाहर जैसी पाव भाजी मिलती है ना, उससे भी टेस्टी हो रही है। तो आप लोग भी बनाओ, खाओ और इंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।